भाई बिना बंदूक का किधर आ रहा है? आज हम लोग करने वाले हैं PUBG टेस्ट Oppo F19 Pro Plus 5G वाले में। हम लोग 4G वाला भी, इसमें भी हम लोग ने PUBG टेस्ट किया है और प्लस हम लोग ने इस दोनों को भी कंपेयर किया हुआ है PUBG टेस्ट में। 4 घंटा 20 मिनट टोटल हम लोगों ने PUBG खेला हुआ है। 85-0 हम लोग ने बैटरी ड्रेन किया, तो वो भी वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देना, बिकॉज आज तक का सबसे ज़्यादा ही लॉन्गेस्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे इस फोन को परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे 25,990 रुपीज़ में। 8GB RAM with 128GB वाला वेरिएंट मेरे पास देखने को मिलेगा आपको, और एकदम खतरनाक वाला हम लोग इसमें PUBG खेलने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा बैटरी ड्रेन के बारे में और कितना हीट होता है नहीं होता, FPS काउंट, FPS गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है वो 29 है इस फोन का, और फ्रंट के तरफ भी देख सकते हो 29 देखने को मिलता है। अगर इस फोन का अगर वेट का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी गाइस रखने का जगह नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस फोन का वेट है 185 ग्राम, एंड यहाँ पे अगर मैं कवर लगा देता हूँ तो 204 ग्राम हो जाता है। तो मैं इस बार विदाउट कवर खेलूंगा और मैं बताऊंगा कि भाई कितना हीट वगैरह भी होता है, महसूस करना पड़ेगा भाई किस जगह से हीट हो रहा है। और पीछे में आपको ग्लास देखने को मिलता है। तो यस, पहले बता देना चाहता हूँ ब्राइटनेस में फुल करके खेलूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर FPS का बात करो तो यहाँ पे 60 फ्रेम देखने को मिलता है। गेम में कितना मिलेगा वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। और इसके अलावा बैटरी देखोगे तो 55% अभी बैटरी चार्ज है, तो हाफ एन आवर में बैटरी कितना डाउन होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। और इतना बड़ा स्क्रीन को पावर देता है पीछे में, बिकॉज यहाँ पे आपको 4300 mAh बैटरी मिलता है। और इनबॉक्स आपको 50W का चार्जर मिलेगा, जिससे आप बहुत जल्दी इस फोन को चार्ज कर सकते हो। भयंकर प्रोसेसर आता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस तो लगता है मुझे, लेकिन प्रोसेसर के मामले में भयंकर, बिकॉज मैं आपको MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर मिलता है और ये 5G प्रोसेसर है। और यहाँ पे अगर सेटिंग्स का बात करें तो यहाँ पे जायरोस्कोप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्मूथ विथ अल्ट्रा खेल सकते हो, जो कि आपका P95 में आपको नहीं मिलता है। आप हाई में खेल सकते हो, अल्ट्रा का तो ऑप्शन नहीं मिलता है स्मूथ में। बैलेंस में भी आप अल्ट्रा खेल सकते हो, जो कि उसमें नहीं मिलता है। SD में आप हाई खेल सकते हो, मैंने भी उसमें SD में हाई खेला था, आधा घंटा क्या परफॉर्मेंस निकला है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। SDR में आप नहीं खेल सकते हो। तो ओके, सो यहाँ पे हम लोग SD एंड हाई में खेलने वाले हैं। मरे तो आदमी पीला हो जाए, और क्या चाहिए। सो यहाँ पे मैच को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइमर को भी स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है MediaTek Dimensity 800U में। ओप्पो का फोन देख सकते हो पीछे, फोन वही है जो होना चाहिए। और फ्रेम ड्रॉप वगैरह दिखेगा कि नहीं दिखता है, लैग वगैरह कैसा है। ओके, जो सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन का जो स्मूथनेस है वो भयंकर है, मतलब भयंकर तोड़ देखने को मिलता है आपको। स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। टीम मैच एंड वॉल्यूम में भी मैं फुल कर देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो जैरो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। जैरो में थोड़ा सा हिल रहा हूँ मैं, गया। अरे गया भाई, तीन तीन जन थे, कैसे होता। भाई बिना बंदूक का किधर आ रहा है? अबे यार बहुत लोग थे। Thank you.
ओके 30 मिनट हो गया, टाइमर को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं हिटनेस का सबसे पहला बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन की तरफ 40 जा चुका है और नीचे की तरफ आपको 36 देखने को मिलता है। और ये अगर ऊपर का मैं कैमरा साइड का बात करूँ तो यहाँ पे 39 और यहाँ पे भी 40.4 जा चुका है। नीचे की तरफ आपको 36-37 देखने को मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ किया है, ऑब्वियसली कैमरा मॉड्यूल के सामने बहुत तगड़ा वाला गरम, एकदम भयंकर वाला गरम देखने को मिलता है फोन। जब हम लोग ने गेम प्ले स्टार्ट किया था तो यहाँ पे 55% बैटरी चार्ज था, अभी 44% हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हो कि 11% घटा है। जब हम लोग ने पबजी स्टार्ट किया था हाफ एन आवर मैक्स सेटिंग्स के साथ खेला, 60 फ्रेम पे खेला और कहीं पे भी मेरे को कहीं लैग देखने को नहीं मिला, कहीं पे भी मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हीटिंग भी कंपेयर करूँ तो एज कंपेयर टू 4G वाला जो है वेरियंट, उससे तो बहुत अच्छा है। सो हाँ, गेमिंग के लिए आप इसके तरफ देख सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है मार्केट में और इससे सस्ते रेंज, जो इसमें डायमंड सिटी का 800U देखने को मिलता है वो रियल X7 में भी मिलता है जो कि 20,000 का, और ये 25,000 मतलब 25 भी नहीं 26,000 का ये फोन देखने को मिलता है मार्केट में। तो इससे भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है गेमिंग के लिए, तो आप जाके ले सकते हो। और प्रोसेसर तो काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा ओवर प्राइस हो गया है फोन मेरे हिसाब से। सो कैसा लगा ये वीडियो मेरे को जरा बताना कमेंट करके, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को शेयर कर दो और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट करो इस चैनल को। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.